ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब बैठे हैं, डॉक्टर दिनेश बावरा जी, डॉक्टर हमारी ये कवियत्री, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैं इसलिए भी पढ़ा लिखा नहीं क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी काम तो वही कर रहे जो मैं कर रहा हूँ। एक बात मैं आपकी तरफ हूँ, ताली बजाने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा, एक बार भी नहीं कहूँगा, और इसलिए नहीं कहूँगा कि भाई देखो माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ, और पहली बात ताली बजाता कौन है? यार हम यहाँ इतने बड़े मंच पे भी झूठ बोले जाए अगर तो क्या मतलब रहा यार, नेताओं को लेकर के किया जाए सरकारी दी पुल ये भाई बताया ऐसा वैसा क्या यार, ये खा गए शक्कर सुकर भाई, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? वो 10 करोड़ खा गया, वो 20 करोड़ खा गया, आप भी खाइए, आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए खाने पीने का। ये हिंदुस्तान की संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, इस पे सबको अधिकार है, आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए, ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला, इसलिए आप खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के अंदर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले गए, ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया इसलिए वो चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा, सुरेश कलमाड़ी जिंदा, ए राजा जिंदा, कनी मौजी जिंदा, ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा, इसलिए आप खाइए कोई दिक्कत नहीं, आप मस्त रहिए। क्या मतलब है सारी भोगट की बात? जादू में रहे भाई, हम ज्ञान की बातें यहाँ आके ज्ञान की बातें करें। एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपसे डॉक्टर साहब, ब्रह्मपुत्र सूर्यपुत्र बाली जो थे महाराजा बाली, उन बाली ने अपनी कोख में दिग्विजय रावण को 6 वर्ष तक कांख में दबा करके रखा, ऐसा हमने सबने सुना, राम कथा कह रही है, बापू कह रहे हैं, और सही बात है ये। 6 महीने तक बाली को रखा, बाली ने रावण को। अब उस बाली का जो बेटा अंगद, वो रावण की सभा में जाके अगर अपना पांव जमाए तो बात जमे। अब जहां बहुत सारे अंगद, हनुमान, जामवंत, बड़े बड़े लोग पहले से ही बैठे हुए, वहां दधिमुख बंदर जाके पांव जमाए तो क्या मतलब? जहां मुरारी बापू बैठे, जहां कुमार विश्वास बैठे, जहां इतने लोग बैठे, वहां जाकर के अगर फिर से हम ज्ञान की बातें पहले तो क्या मतलब रे भाई? इन सारी बातों से हम हंसना चाहते हैं इस दुनिया में। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन सदैव मुस्कुराते रहो, सदैव संकट में भी मुस्कुराना मेरी सबसे बड़ी भक्ति है। इस सबसे बड़ी भक्ति को आजकल कांग्रेस भी कर रही है, इतनी संकट में फिर भी मुस्कुरा रही है, तो हम मुस्कुराने वाले लोग हैं। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा। मध्य प्रदेश धार से मैं आपके बीच में आया हूं, और मैं धार से इसलिए आया हूं क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, इसलिए मैं वहां से आया हूं। नहीं ये बताना पड़ता, नहीं तो आदमी को डाउट होता कि यार ये वहां से क्यों आया होगा, ये वहां से क्यों आया होगा, लोगों को डाउट होता है, कई बार होता भाई। बार बार अगर इस मंच से बोले कि बापू बैठे हुए हैं तो लोगों को डाउट होता है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। जीवन के सत्य शाश्वत ही बहुत सरल रहो भाई, मैं बहुत सरल आदमी हूँ, मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूँगा भाई। खाने पीने खा गए, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे यार? आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास जी महाराज ने लिख दिया, जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कन्हैया से कहा, बोले काना मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी, यशोदा मैया ने डांटा। जब कन्हैया को डांटा तो कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलने वाला नन्ना शिशु योग शक्ति से योगेश्वर बन गया, और जब अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर उन्होंने पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, मातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठ लोक, भूर्लोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक, 14 भवन, बचपन में सारी सृष्टि, भगवान कृष्ण पूरी दुनिया खा गए तो कोई दिक्कत नहीं? बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये लोग खा गए, यार बहुत पहले से चला आ गया मामला। जियो जानी जियो। अरे अभी बहुत साल जीऊंगा मैं, आप फिक्र ही मत करो, मैं काफी टाइम तक जीने वाला हूँ। 500-700 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे जी की संतान लिख के चली गई, जो यहाँ पर विराजमान सरदेश, सारी दुनिया, सारी सृष्टि जिसकी जय जय कार कर रही है। युग सहस्त्र जो जब पर भानु, लीलियो ताई मधुर फल जानू। युग सहस्त्र जोजन पर भानु, 15 करोड़ किलोमीटर इस पृथ्वी से सूरज दूर है। कितना? मैं हालांकि वहां एक बार भी नहीं गया अभी, पर ऐसा उन लोगों ने बताया जो वहां पे गए,
और वापिस आया ही नहीं। बस जजमेंट से कि 15 करोड़ किलोमीटर जो सूर्य पृथ्वी से दूर है, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीनोताई, हनुमान जी महाराज ने बचपन में पूरे सूरज को ब्रेकफास्ट समझ के मुंह में ले लिया। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, 33 करोड़ देवताओं ने मिलके एक साथ वी आर सॉरी बोला तब जाके भाई ने मुंह खोला। नहीं तो अभी तक अंधेरे में पड़े रहते, हंसने की बात नहीं है। घर पे जाना सुबह में शाम को और एक एक नारियल चढ़ाना हनुमान जी को कि हे हनुमान जी महाराज, आपने उस समय जो सूरज मुंह में लिया वो वापिस बाहर कर दिया। अगर मान लो अभी तक नहीं करते सूर्य को बाहर हनुमान जी तो क्या होता? पड़े रहते अंधेरे में, ये कवि सम्मेलन कथा वगैरह सब अंधेरे में ही होती। मालूम थोड़ी पड़ता अंधेरे में किसकी गाड़ी पे कौन बैठ के जा रहा और किसकी गाड़ी में कौन किसकी चाबी घुसेड़ रहा, पता थोड़ी चलता। ये तो हनुमान जी महाराज की कृपा है कि जो अंधकार से हमें सूर्य की ओर रोशनी की ओर ले गए। गुरु डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, अलग अच्छी बात तो क्या, पर इसको अच्छी मान लो, क्योंकि अपन तो यही कर रहे जो अच्छा नहीं उसको भी अच्छा मानने में क्या दिक्कत है। ये कवि लोग बैठे हुए और ये सारा मामला भाई क्या है कि भगवान जो थे, मेरे को ज्यादा जानकारी तो नहीं है और मैं ज्यादा जानकारी रखना भी नहीं चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं उससे ज्यादा जानकारी रखने से। इस हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता ने जो किया कोई गलत नहीं किया है। 125 करोड़ जनता ने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे, प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, उसने दिया धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टांके तो गलत सुलत नहीं सकता है। अब वो टांके गलत सुलत आ गए तो ममता बनर्जी मायावती के टांकों में दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रही बात नहीं बात है, जरा हाथ खड़ा करिए, बहुत शानदार की बात कर रहे हम। नेताओं को गाली दे रहे, आतंकवादियों को गाली दे रहे, बोले आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे, बोले आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे। मीडिया वाले बोले जयपुर में बम फटा, बेंगलोर में बम फटा, हैदराबाद में बम फटा, दिल्ली में बम फटा। यार भाई उस बम से तो पूछो कि तू क्यों फटा। उस बम की यह प्रॉब्लम है कि वो बम बोल नहीं सकता, उस बम के मुंह में जुबान नहीं है। और मान लो अगर उस बम के मुंह में जुबान होती वो बोलता तो सुनता कौन? भाई बम बोले तो कौन सुनेगा? और मान लो अगर किसी ने हिम्मत करके सुन लिया तो वो बोलने जैसा नहीं होता। और मान लो अगर वो बम बोलता तो वो शायद ये बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूं। शायद अगर वो बम बोलता तो वो बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूं, खुद की नजरों में घटा हूं, मैं हर बार हर बार हर बार यूं ही चला गया हूं, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूं। जय जय। हालांकि बात बहुत कम समझ में आ रही, पर उसमें प्रॉब्लम यह भी आता कई बार कि आधे लोग हिजबुल को नहीं समझते, आधे लोग बिस्मिल को नहीं समझते। बम बेचारा बीच में फंस जाता है, वो बच बेचारा बम फंसा हुआ है, बम फट रहे हैं। इन पे आतंकवादियों को यह पता नहीं है कि लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे? बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे। अब हमको मतलब बम से डरा रहा आतंकवाद, किस देश को बम से डरा रहा है यार? किस देश को आतंकवादी बम से डरा रहा है? धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिन हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में एक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे। ये माता बहने बैठी हुई है, हम संस्कारों की बातें कर रहे। दिनेश भाई ने बताया अभी, एक तो क्या कि यहाँ से झूठ बहुत बोला जाता है। हमारे बड़े भाई साहब बैठे हैं, ये छोटे भाई साहब बैठे हैं, मेरी बड़ी बहन बैठी, ये सबसे बड़ा झूठ है। मैं ऐसे कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं।
नहीं क्या मतलब यार, मर्जी पड़े उसको भाई बहन बोलने से है? मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, कौन कहाँ रहता है, क्या मतलब है यार, मर्जी पड़े उसको बहन बोल दो। मेरी बहन यहाँ पे क्या करे, मेरे घर पे मेरे जिया जी के साथ है। मैं इससे झूठ नहीं बोलता हूँ। हम संस्कारों, दिनेश भाई संस्कार की बातें कर रहा, बिंदिया यहाँ लगाओ वहां लगाओ, ये माता बहने बेटी हमारी शक्ति कहाँ लग रही है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना, ये हमारी संस्कृति थी। खाना हम बफेट में खड़े खड़े खा रहे, खजाना है ही नहीं, और जनाना ये भारतीय नारिया रैंप पे चल रही है विश्व सुंदरी प्रतियोगिता दौर में। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, मेवाड़ खड़ा कर रहा हूं मेरे दोस्त, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। थोड़ी देर ताली आप रोक लो, अब नींद बजाओगे तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई, जिसको जितना जमना था इतना जमी गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। होता सामान्य बात है। बुद्धि प्रकाश जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपकी वजह से मैं बापू के दर्शन कर पाया, मेरी सात पीढ़ी धन्य। मैं आपको बहुत बहुत, मैं बड़ा भावुक हूँ बुद्धि भाई, आपकी वजह से माता गंगोत्री के दर्शन हो गए, बापू के दर्शन हो गए। हनुमान जी महाराज की असीम कृपा प्रभु आपके मस्तक पर निश्चित रही होगी, इस राम कथा को सात समंदर पार जो आप ले गए बापू, निश्चित कहे हनुमान जी महाराज की आप पे कृपा है, आपके दर्शन बुद्धि प्रकाश जी आपने मुझे करवा दिए, मैं आपका आभारी रहूंगा। हालांकि इतने भावुक भी मत होना, पेमेंट बिल्कुल कम मत करना, एक बात नहीं बताना पड़े आदमी। एक कविता सुना देता हूँ मैं आपको, दो मिनट की कविता है बापू, बहुत अच्छी कविता है, और अच्छी इसलिए क्योंकि वो मैंने लिखी है, इसलिए अच्छी कविता सुन लिया। नहीं अपनी मार्केटिंग अपने को करना पड़ती है। अच्छी कविता यूं है, डॉक्टर साहब पहली बार सुनेंगे, आप भी मंच पहली बार सुनेगा, और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। एक बार बताना पड़ता, हंसना बहुत जरूरी है। शेक्सपियर कहते हैं जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। शेक्सपियर को आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आप हाँ कर लो, उससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है। जो दूसरों को हंसाता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है, बल्कि वो जहाँ जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। तो हंसाना मेरा मकसद है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी सब फोगड़ की बातें। ये कवि इतने विद्वान लोग होते हैं भाई, बता रहा था बोले कवि होता, दिनेश भाई ने कहा ना बोले इसके पिताजी पीटते थे, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो सारी संपूर्ण अयोध्या सुमंत के रथ के आगे आके सो गई, सारी दुनिया ने विरोध किया, पशु पक्षी तक रोने लगे, दुनिया में हाहाकार मच गया भगवान श्री राम के वनवास पर। परंतु 14 वर्ष के बाद तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, वही भगवान श्री राम जब अवध में आए और उन्हीं भगवान श्री राम ने माता जानकी को जब वनवास दिया तो अयोध्या में कोई भी खड़ा नहीं हुआ उनके विरोध में। जिसे भगवान श्री राम त्याग देते दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, जो उसे शरण दे दे। उस वक्त तमसा के तट पर एक महर्षि योगी ने आवाज लगाई कि हे सीते तुम मेरी शरण में आ जाओ। दुनिया का पहला कवि वाल्मीकि हुआ मेरे भाई, मैं आपके बीच में एक बड़ी कविता खड़ी करना चाहता हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। वाल्मीकि जी ने जो कहा है वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं था वहां पे, परंतु एक बात है मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूं, सुनिएगा आप, कविता अच्छी है, सुनिएगा के नहीं पानी नहीं पीऊंगा मैं, सिर्फ कविता सुना दूंगा और 2 मिनट में सुना के बैठ जाऊंगा, और सुनिएगा आपके, और आप ध्यान करिएगा, मैं 2 मिनट में अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। अब दिनेश भाई आप ऐसा ध्यान लगाइए कि मैं मेरे स्थान पर बैठ रहा हूं, लोग भयंकर वंश मोर कर रहे हैं, और कुमार साहब कह रहे हैं बोले बच्चे की क्या जान लोगे, इस तरह से माहौल बना हुआ है, इस तरह की आप कल्पना करते रहना चाहिए आपको। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। 18 दिन में 40 करोड़ लोग मारे गए, सृष्टि का सबसे बड़ा महायुद्ध था,
और सृष्टि नियंता योगेश्वर वासुदेव नतमस्तक हो गए माता गंधारी के सामने। प्रभु आप चाहते तो इस नरसंहार को बचा सकते थे, दुनिया युद्ध किसी चीज का हल नहीं हो सकता। मैं छोटी सी कविता के ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। वाह, वाह। मैं कविता शुरू कर दूंगा, आप अगर कविता सुनने वाले हैं तो, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है, मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके इस धरती पर तू घूमा है, ठोकर लगी तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पर तूने कई रातें काटी है, और तुझे पता ही नहीं यार ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। तुतलाती जबान पे आशीर्वाद चाहूंगा कि ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था, जब पहली बारिश में तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था, वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। क्या बात है जानी, दिशा बदल रही कभी समझ नहीं। वाह, पता नहीं क्यों अब वो, शायद आप इधर के जो लोग, मैं चार पंक्ति पढ़ देता हूँ, चरणों में रखता हूँ बापू के, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं, यार यार कैसे भूले वो सावन के झूले, यार कैसे भूले वो सावन के झूले, जो साथ साथ में झूले वो आवारा गिरदी की बातें, वो कम कपाती सर्दी की रातें, वो रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और कसम खाई थी साथ साथ मरने जीने की, क्या आदत बिगड़ी थी बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा कर पीने की, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे, प्राण पंक्ति रखता हूँ कि खुशियों के वो दिन भी देखे थे, जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था, वो दिन गए वो रातें गई वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में। जय जयकार है जानी, क्या कह दिया जानी तुमने, क्या बात है, चित्र बना करके विचार प्रकट कर दिया यार, बारूद लेकर के बैठा हुआ, बारूद लेकर के, जी भाई फिर से पढ़ना, पर मामला बम का है ना ये। हाँ फिर से चलो अपन फिर से बम फोड़ते हैं, देखिए कि भगवान महाकाल की सबकी रक्षा करे, के बारूद बाद में आएगा, पहले और कुछ आएगा, के मैंने जो चुराया थे जो बेर वो पता नहीं बम में हो गए, और ऐसा ही होता है, कोई खास बात नहीं इसमें, के रमतू काका जाग गया था पत्तों की सरसराहट से। अब उसमें चित्र क्या, उसमें रमतू काका की गलती नहीं है, पत्तों की गलती है भाई, पत्तों को नहीं बजना था पर पत्ते बज गए, तो इसमें रमतू काका को जगना ही था, तो पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था। क्षमा चाहता हूं कविता डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान से बांग्लादेश कट गया, मेरे हिस्से के अमरूद ले गया, जब भारत के दो टुकड़े हुए, पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था, वो दिन गए वो रातें गई वो बातें गई, और पता नहीं अब तू आ गया है किसकी बातों में। एक लाइन आपके चरणों में रखता हूँ, मैं बैरागी का बेटा हूँ, और मुझे बजरंग दल आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद जय श्री राम कहलाना नहीं सिखा सकती, मैं उस बैरागी का बेटा हूँ कि मेरी माँ बचपन में मुझे उंगली पकड़ के ठाकुर जी के मंदिर में ले जाती थी, और पुजारी जी चरणामत के बदले पहले जय श्री राम बोलना पड़ता था, तो चरणामत मिलता था मेरे भाई। मैं एक पंक्ति आपके चरणों में, बापू के चरणों में रखता हूँ, डॉक्टर साहब आपके चरणों में, के यार वो दिन गए वो रात गई वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में, उम्र में तू बहुत छोटा था,
तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। गुत्ती भैया जय जय। उसकी मौसी के घर से देखो वो कैसे लौट रहा है। उम्र में तू बहुत छोटा था, उम्र में तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही लौटा था। उस वक्त चल रही थी गर्मी की छुट्टी, तेरी मेरी थी कुट्टी, और अकस्मात जब तू बीमार पड़ा तो छूट गए थे तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे, हिंदू मुसलमान के जो दंगे करने वाले। सुने के जब तू बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, छूट गए वो हाथों के गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादाजी ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने, मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, और तुझे पता ही नहीं जाहिल, मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। जय मर्म से भर दिया जानी तुमने। मेरी मां ने तेरे नाम पर, यह सनातन धर्म है, पड़ोस का बच्चा बीमार हो जाए तो सत्यनारायण भगवान की कथा की मन्नत ले लेते हैं हम क्या किसी पे अटैक कर सकते हैं। मेरी मां ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। चार लाइन सुने के युद्ध नहीं चाहते हैं। अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है आज भी वहां नीम पीपल और वो मोरसली की छांव, जिंदा है आज भी वहां सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी वहां जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। सांझ ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पर संजा की बनी हुई आकृति, पग पग पे बिखरी जहां प्रकृति। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चिया, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी, और मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। वाह वाह। मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव मुझे विदा करे। दो लाइन पढ़ देता हूं, मुझे आशीर्वाद देना के। मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी, और तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है वहां नीम के पेड़ पर, प्राणों में पुतलियों में। तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है नीम के पेड़ पर, प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे होंगे खेत की मेड़ पर। सुनहरी धूप निकली है गांव में तेरा पापी बदन सेकने के लिए, और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है कलमुहे, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।